जी नाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? खैर है? राज़ी हैं? सारा कुछ है? क्योंकि हमें चाहिए आपकी हेल्थ और फिटनेस। और प्रोग्राम का क्या मकसद है? प्रोग्राम का यही मकसद है कि आपको ये बताया जाए कि आप अपनी हेल्थ और फिटनेस को, अपने यूथ को, जो यूथ में आ जाती है, यूथ इसलिए कह रही हूँ कि वी वुड लाइक टू प्रिजर्व आर यूथ, और एजिंग को डिले करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें करा सकते हैं, ये सारा आपको इस प्रोग्राम में एक जामे सूरत में बताया जाता है कि आप अपने को, अपने खुद डू इट योर सेल्फ, सेल्फ हेल्प बेसिस पे कि आप अपना कैसे ख्याल करें। अच्छा जी, आज की टिप ये है कि फिज़ी ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत होता है। हाँ, गर्मियाँ हैं, जिसके घर जाओ वो जी कहते हैं जी जब तक उसने बोतल नहीं पिलाई तब तक उस हमारी खातिर नहीं की, तो बड़ी गलत बात है। ठीक है, फिज़ी ड्रिंक से ये होता है कि आपकी हड्डियों के लिए जो कैल्शियम अवेलेबल भी होता है वो फॉस्फोरिक एसिड के साथ बाइंड कर जाता है और वो हड्डियों में नहीं जाता। और आपको ये पता है कि हड्डियों में आजकल जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो स्टार्टिंग फ्रॉम जो 60 साल की उम्र में होने होते थे, 50 साल की उम्र में होते थे, वो अब 20-25 साल की उम्र में देखे जाते हैं। कि छोटी छोटी जो लड़कियाँ हैं वो आके कहती हैं जी हमारे घुटनों में आवाज़ आती है, या सीढ़ियाँ चढ़ते हुए प्रॉब्लम होता है, या हील में दर्द शुरू हो जाती है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें तो नकाहत होनी शुरू हो जाती है, मसल्स में दर्द शुरू हो। आखिर ये क्यों है? इसकी वजह एक तो हमारी डाइट में गलतियाँ हैं कि हम दूध नहीं पीते, डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते, और दूसरी चीज़ें ये हैं कि हम जो फिज़ी ड्रिंक्स है और जो इस तरह की चीज़ें जो कि कैल्शियम को जाने नहीं देती, या विटामिन डी की डिफिशेंसी होती है जिसकी वजह से सब कुछ होता है, तो इसकी इस पूरे टॉपिक को, उसकी वजह से एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और ये आजकल की, अभी आपको बताएंगे कि कितना तनासुब है ख्वातीन में कि वो इस चीज़ से सफ़र कर रही हैं। इट्स अ साइलेंट थिंग विच यू विल नो अबाउट, और ये सारे स्केलेटल सिस्टम को ख़राब कर देता है। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं, कंसल्टेंट हैं, वो डॉक्टर मोहम्मद तारिक सुहेल साहब हैं। पहले भी आ चुके हैं, हमारे बहुत अच्छे ऑर्थोपीडिक सर्जन हैं और प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपीडिक सर्जरी और स्पाइनल सर्जरी। इतना लंबा कहना पड़ रहा है, बीच में भूल जाता है थोड़ा थोड़ा, मैं हॉस्पिटल में बैठने, तो आए चल के इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल 42 का, ताकि ये अवेयरनेस और आगाही पैदा करने की। आपने जो अपने इंट्रोडक्शन में जो बात बताई कि फिजी ड्रिंक्स वाली और साथ में उसकी कैल्शियम बाइंडिंग और विटामिन डी और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को रोकना, आई थिंक आपने बहुत ही पते की बात की है, क्योंकि ये फिजी ड्रिंक इतनी कॉमन हो गई है एंड एनीबडी एवरीबडी टेक्स इट। और अगर आप देखें मासिस में, ख्वातीन में, बच्चों में, यंग एज में, जो अपेरेंटली हेल्थी लगती हैं, उनको अगर उनकी कहानी सुने तो वो कहते हैं कि जी थक जाते हैं, हमारी हड्डियों में दर्द है, उठते बैठते भागा नहीं जाता, पट्ठों में दर्द है। अगर उनका आप कैल्शियम के लेवल करवाएं तो इनवेरिएबली 90% लोगों में वो लेस देन नॉर्मल होता है। आप उनको विटामिन डी किसी फॉर्म में भी दे दें तो वो बेहतर हो जाता है। बिल्कुल, उसकी बहुत सारी वजह लैक ऑफ एक्सरसाइज है, आपकी डाइट ऐसी है कि आप कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता, विटामिन डी इंटेग्रेट नहीं होता आपके बोन के अंदर, और बोन की वो नशोनुमा नहीं होती। सिमिलरली ये जो पट्ठों की थकावट है ये विटामिन डी से रिलेटेड है, क्योंकि विटामिन डी के जो रिसेप्टर हैं मसल के अंदर भी हैं। अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी तो पट्ठे भी जल्दी थक जाएंगे, थकावट हो जाएगी, बंदा। आपने ये बात बहुत पते की ना सिर्फ हड्डियों में बल्कि विटामिन डी का इफेक्ट मसल्स पे भी, बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। अगर आप विटामिन डी लें तो आपकी जो नॉट ओनली हड्डियां बेहतर रहेंगी बल्कि मसल भी आपके नॉर्मल एक्शन रहेगा, उनकी नॉर्मल सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ रहेगी, एंड्योरेंस रहेगी, और वो थकेंगे नहीं जल्दी। डॉक्टर साहब, ये बड़ा देखने में आया है कि आप तक कभी नहीं पेशेंट पहुंचा होता और आम जीपीज या फिजिशियन के पास होता है। मैं कहती हूँ अगर 100 पेशेंट जाता है ना तो 98 ये कंप्लेन करते हैं, बच्चों से लेके बूढ़ों तक, कि जी थोड़ा सा चलते हैं तो थक जाते हैं, नकाहत बड़ी है, दिल नहीं चाह रहा कोई काम करें कि उठ के चले जाएं। व्हाट डू यू एट्रीब्यूट इट टू? मेरे ख्याल में आई कैन नॉट से कि जी सारी कोल्ड ड्रिंक्स और फिजी ड्रिंक्स वगैरह से है, बट आई थिंक एक ओवरऑल हमारा चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल आ गया है। वी आर मच मोर सीडेंट्री, हमें काम करने की आदत ही नहीं रही। फिर दूसरा, अगर बच्चों में देखा जाए तो बच्चे एक वो कोक कोला, चॉकलेट, बर्गर, इन चीज़ों के ऊपर जोर उनका होता है। बाकी वो जो उनके कहें दूध ले लें, दही ले लें, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी अपने में रखें ताकि कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ भी है वो अपने गेम्स में पार्टिसिपेट करें,
वो बहुत कम करते हैं. सो ओवरऑल वी आर गोइंग टुवर्ड्स मोर सेडेंटरी मोर लेथार्जिक वे ऑफ लाइफ व्हिच इज नॉट गुड फॉर द बोन एंड द स्केलेटन व्हिच इज जो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है क्योंकि बच्चों से बुनियाद है और यहीं से हम वी आर गोइंग रॉन्ग. एक हमारे साथ कॉलर है उनको इन करते हैं. जी हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम. जी वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रही है? जी मैं मजंग से बोल रही हूँ. नाजिया मकबूल है मेरा नाम. जी नाजिया आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ जी मैं जरा सर से बात करना चाह रही थी कि मैम मेरी ना अभी कोलिसिस्टेक्टमी हुई है बिफोर टू इयर्स. अच्छा तो अभी ये है कि मैं मीन बिफोर कोलिसिस्टेक्टमी तो आई वाज एवरीथिंग इज डन बट नाउ एट दिस टाइम मेरे जिस्म में सारे दर्द होती रहती है हर वक्त. मेरी जो बोन्स हैं स्पेशली जो मेरी लोअर लेग्स हैं इनमें इतनी सीवियर पेन होती है कि मैं ज्यादा सीढ़ियां भी नहीं चल सकती. अच्छा. मेरी एज जो है वो 25 इयर्स ओल्ड हो गई है. ठीक है ठीक है. यानी कि जब से आपने गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराया है 2 साल पहले उस वक्त से लेके अब तक आपकी पिंडलियों में दर्द होती है? हाँ जी और शोल्डर में भी. शोल्डर और मीन ऐसा लगता है जैसे सारा जिस्म दुखता रहता है. अच्छा अभी डॉक्टर साहब ने आपको एक डॉक्टर साहब ने अभी एक बात की थी कि क्या आपने अपना कैल्शियम और विटामिन डी लेवल्स चेक कराए? नहीं मैंने वो नहीं करवाया. चलो जी शाबाश. सबसे पहले तो वो कराओ और अब डॉक्टर साहब कुछ कहेंगे. मेरे ख्याल में ये जो कैल्शियम और विटामिन डी लेवल आपका होना चाहिए. मगर इससे पहले जो आपने पिता का ऑपरेशन करवाया, पिता बेसिकली वो जो फैट जो है उसको अब्जॉर्ब करने में मदद देता है और थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो सकती है पित्ते निकालने के बाद इसकी फैट अब्जॉर्प्शन में, उसके साथ थोड़ी सी विटामिन डी की डिस्टर्बेंस भी हो सकती है. सो इसलिए मेरे ख्याल में आपको सीरम कैल्शियम और विटामिन डी करवाना चाहिए. दूसरा ये है कि ऑपरेशन के बाद आप अपना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज रखें ताकि मसल जो खासतौर पे एब्डोमेन के मसल हैं वो उनकी टोन वापस आए और आप में जो पहले काम करने की सलाहियत है वो बरकरार रहे और बल्कि उससे पहले से भी बेहतर हो. तो सबसे पहले लैब इन्वेस्टिगेशन करवाएं, उसके बाद आप अपना फिजिकल एक्सरसाइज और रिहैबिलिटेशन पर के एब्डोमिनल मसल की आप करें तो इससे इंशाल्लाह आप बेहतर हो जाएंगे. बहुत ज़रूरी है कि एक्सरसाइज जो है ना डॉक्टर साहब, इस पर बड़ा मैं स्ट्रेस करती हूँ क्योंकि एक्सरसाइज इज़ वन बेसिक थिंग जो मैं चाहती हूँ कि जब सबसे पहले तो आप ऑस्टियोपोरोसिस का बताएं फिर आप एक्सरसाइज का बताइए. देखें एक्सरसाइज का मैं पहले बताऊं. अच्छा. कि नॉर्मल जो हड्डियों की नशोनुमा कैल्शियम विटामिन डी और दूसरे मिनरल जो हैं इनके अलावा मैकेनिकल स्ट्रेसेस जो पड़ते हैं ना बोन के ऊपर आपके चलने फिरने में, आपकी वेट बेयरिंग एक्सरसाइज जिसमें भागना और जॉगिंग वगैरह वो आती हैं, इसके अलावा आप जो भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं दैट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेयरिंग ऑन द बोनी स्ट्रक्चर, बोनी स्ट्रेंथ और बोनी कंटेंट जो होते हैं उसके मिनरल के और जो उसका जो बेस मटेरियल होता है बोन का, इसमें बहुत ज़रूरी है ये कि ये और जब तक आप एक्सरसाइज करते रहेंगे आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी. डॉक्टर साहब यहाँ पे हम एक ब्रेक लेते हैं. डॉक्टर साहब ने पंच लाइन क्या कही है, जब तक एक्सरसाइज करते रहेंगे तब तक हड्डियाँ मजबूत रहेंगी. और साथ ही ब्रेक पर जाएँ.